ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हरकम, आपको याद है जब हम अपनी शादी की सालगिरह पर कैद खाने गए थे तो आपने दीवार के पीछे से क्या आवाज सुनी थी? हाँ। ना जाने में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि चांद बेगम वहीं थी, क्योंकि हमें हाल ही में पता चला है कि कैद खाने में उस दीवार से सटी एक गुफा है। जब वहां गए थे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि चांद बेगम वहीं थी, लेकिन अब न जाने वो कहां है, किस हाल में है, और न जाने किस गुनाह की सजा दे रहा है खुदा हमें। आप बताएंगे क्या आपके पास और कितनी खुफिया जगह है? ये जो कमरा आप देख रहे हैं आदर, ये हमारे होजरे के बगल में। क्या यकीन नहीं आता तो वहां जाइए, वहां आपको एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को खोल के देखिए। ये क्या जादू है मिजान? ये जादू नहीं, हमारा दिमाग है आदा। हमने इस जगह के बारे में आपको इसलिए बताया कि आगे चल के अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आपको इस जगह का पता होना चाहिए। जो कुछ भी हो मिजान, हम इसे हमेशा के लिए यहाँ छुपा नहीं सकते। ज्यादा वक्त के लिए नहीं आदा, बस कुछ ही वक्त के लिए। निगार का हमला होने दीजिए, के बाद राहें अपने आप खुल जाएंगी। कुछ राहें निगार हमारे लिए खोलेगी और कुछ राहें जलाल। जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचाया जा चुका है अबुल मलिक साहब। हाँ, इंशाल्लाह उन्हें जल्द ही मिल भी जाएगा। तो हमें इंतजार बस उस दिन का है जब हाथों में शमशीर लिए हम उस जलाल का सामना करेंगे और वो सब कुछ छीन लेंगे जो हमारा है। बेशक। और अगर उसने हमारा पैगाम अनदेखा कर दिया तो? इतनी फिक्र ना करो शहजादी, सुबह तक इंतजार करते हैं। फिलहाल आप काफी थकी हुई हैं, थोड़ा आराम फरमा लीजिए। आराम? परसों से आराम ही तो किया है अबुल मलिक साहब, अब आराम का वक्त कहाँ? जल्दबाजी अच्छी नहीं निगार। हमारे कुछ लोग आगरा में छिप कर दाखिल हो चुके हैं बगावत के लिए। सुबह तक शहंशाह को चंद लाशों के साथ खबर मिल जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, पंजाब के सूबे से खबर आई है। पंजाब के कुछ इलाकों पर हमला हुआ है और उसे मुगल सल्तनत के कब्जे से छीन लिया गया है। पता चला कि फौज किसकी? नहीं हुजूर, फरहत खान एक पैगाम लेकर आपके हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। हुजूर, शहजादी निगार और अबुल मलिक की तरफ से पैगाम आया है। पढ़ा जाए। उन्होंने मुगल सल्तनत से जंग का ऐलान कर दिया है और ये पैगाम भिजवाया है कि जल्द ही आगरा पहुंचकर वो हासिल करेंगे जिस पर उनका हक है। और हुजूर, उन्होंने इस पैगाम का जवाब भी मंगवाया है। इस पैगाम का जवाब हम सोच समझ कर देंगे दीवाने खास बर्खास्त। क्या सोच रहे हैं आप शहंशाह? अब सोचना क्या है जोधा बेगम, हमारी अपनी ही बहन हमसे नफरत करती है, जंग करना चाहती है हमसे। आपसे बात तक नहीं की उन्होंने, और यदि ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी अम्मी जान को आपने बंदी बनवा कर रखा है तो इसका अर्थ तो यही है कि किसी ने उन्हें भ्रमित किया है। आपके विरुद्ध किसी ने उनके कान भरे हैं
मगर एक ही खानदान में इस तरह के झगड़े देखकर कोफ्ता आती है हमें जोधा बेगम। इसी तरह हमारे बचपन में हमारे मरहूम अब्बा हजूर और चाचा कमरान लड़ा करते थे, वही वजह थी तख्त ताज ताकत। अब्बा हजूर ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें बहुत खुश रखने की कोशिश की, बहुत प्यार करते थे उनसे। उन्हें समझाया कि अगर जिस्म में एक हाथ दूसरे हाथ को काटता है तो नुकसान जिस्म में ही होगा, नहीं समझे वो। और आज यही सब बातें फिर से दोहराई जा रही। आदाब शहंशाह। कहो क्या बात है। हुजूर, आगरा में हमला हुआ है। कहां? हमने अब तक उनके पैगाम का जवाब भी नहीं दिया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारी नेकली का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हुजूर, अब हमें शहजादी निगार को जवाब देना ही होगा। नहीं अदगा साहब, जरूर कोई हमारी बहन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके कंधे पे बंदूक रखकर निशाना साध रहा है। मगर इसमें कोई शक नहीं है हुजूर कि इन सब के पीछे शहजादी निगार है। ये देखिए, ये जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ है ये आपकी अवाम है। अब वक्त आ गया हुजूर कि आप शमशीर उठाइए, ये बख्तर पहनिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। अदगा साहब, हमारी अवाम क्या सोचेगी जिन्होंने हमें अकबर का नाम दिया है? हम उसे इज्जत के साथ मुगल सल्तनत में ओहदा देना चाहते हैं, अपने अब्बा हुजूर के फरमान पर अमल करना चाहते हैं। हम अपनी बहन का कत्ल नहीं करेंगे। हमें तुरंत ही तैयारियां करनी होंगी अदगा साहब, क्योंकि शहंशाह भले ही इस बात के लिए राजी हो या ना हो, परंतु शहजादी निगार की ओर से जंग का ऐलान हो चुका है। हम भी यदि होशियार ना रहे तो आगरा खत्म हो जाएगा। आइए। शहंशाह, आप चाहे या ना चाहे, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि आगरा को युद्ध के लिए प्रस्तुत होना ही होगा। नहीं जोधा बेगम, हमने जंग का ऐलान नहीं किया है। आगरा के बाजार में शो हुआ वो निगार आबा का हमला था, बस हम बस उस मामले को खत्म करने गए थे। इसका मतलब यही नहीं कि जंग होगी। हमें युद्ध की नई रणनीति बनानी होगी। हम मानते हैं कि अभी शहंशाह सही मानसिक स्थिति में नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तैयारियां ना करें। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं टोडरमल साहब, अगर शहंशाह ने जंग का ऐलान कर दिया तो हमें उसके लिए मुकम्मल तैयारी रखनी होगी। सबसे पहले तो हमें सारी फौज को महल में इकट्ठा करना होगा, शहजादी निगार और चांद बेगम की तलाश में। सारी फौज दूर दूर तक फैली हुई है और इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सैनिकों की कम संख्या एक समस्या बन सकती है। बेशक। हुजूर आदाब। क्या खबर है? हुजूर, हम पर हमला करने वाले किसी एक की फौज नहीं है, बल्कि अलग अलग हुक्मरानों ने फौज मिलाकर हम पर हमले किए हैं। इसकी कमान काबुल की फौज के हाथों में है। काबुल से? ये बेगम महाचूचक की फौज है।
तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर यह खबर गलत निकली तो तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। हुजूर, हम 100% सच बोल रहे हैं। ये फौज बेगम महाचूचक की ही है और इसकी सिपह सालार शहजादी निगार है। शहंशाह, आप युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिया है और यदि ऐसी स्थिति में आपने कुछ नहीं किया तो हम पराजित हो जाएंगे। अब आप निर्बलता नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो इसका परिणाम आपकी प्रजा और आपकी सेना को भुगतना होगा। एक राजा का धर्म होता है यदि राज्य पर हमला हो तो उसे युद्ध के लिए प्रस्तुत होना होता है। आपको अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाना होगा। आपको अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। आपको उन लोगों की रक्षा करनी होगी जिन्होंने आपको अकबर का नाम दिया है। शहंशाह, कभी कभी कोई अपना यदि मार्ग से भटक जाए तो उसे मार्ग पर लाने के लिए कड़ा रुख अपनाना ही पड़ता है। कंस भी तो श्री कृष्ण के मामा थे, परंतु जब उन्होंने अधर्म दिखाया तो क्या कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया? नहीं, उन्होंने उनका संहार किया। और ऐसे ही युद्ध का प्रारंभ आपकी बहन निगार जी ने किया है, तो आपको भी उनसे युद्ध करना होगा, उनका भाई बनकर नहीं बल्कि शहंशाह बनकर। शहंशाह, आपको अपना कर्तव्य अपना धर्म निभाना ही होगा। युद्ध में हमारे फर्ज क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, ये आप हमें ना बताएं। बताओ शहंशाह, हम अपने फैसले खुद लेंगे। अब इस वक्त बस हमें तनहा छोड़ दीजिए जोधा बेगम। आज पहली बार हमें यह अफसोस हो रहा है कि हम बेगम महाचूचक की औलाद हैं। हम जानते थे कि अम्मी जान भाई जान से नफरत करती है, मगर वो इस हद तक उतर जाएंगी ऐसा हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। होशियार, ठीक से खेलो। तुम बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हमें। हम तो अपनी जान लगाकर खेल रहे हैं हुजूर। अगर यही तुम्हारी काबिलियत है तो तुम हमारे साथ खेलने के काबिल नहीं, बेवकूफ। बेगम एक खास का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। जोधा बेगम यहाँ इस वक्त? अंदर भेज दो उन्हें। होशा, तुम जाओ। जी हुजूर। प्रणाम रुकया बेगम। जोधा बेगम, ये शहंशाह का होजरा नहीं है कि आप जब चाहे यहाँ मुंह उठाकर चली आए। क्षमा चाहते हैं, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। अब ऐसी भी क्या खास बात है जो आप बेगम खास को इस वक्त तकलीफ देने आ गई? बात शहंशाह की है रुकया बेगम। तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है? आप तो शहंशाह को बखूबी संभाल लेती हैं, है ना? रुकया बेगम, ये समय ताना मारने का नहीं है। हमें लगता है कि आपको मुगल सल्तनत और शहंशाह की चिंता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बताइए क्या मसला है? बात यह है कि भले निगार जी शहंशाह की बहन है, भले दोनों की धमनियों में एक ही पिता का रक्त बह रहा है, परंतु उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। निगार जी ने आगरा पर आक्रमण कर दिया है रुकया बेगम, और शहंशाह अपनी बहन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। अब आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो आप शहंशाह के पास जाइए, आप हमारे पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उन्हें अच्छे से समझती हैं। आप उनकी पहली बेगम हैं और बचपन की सखी हैं। कदाचित वो आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। रुकया बेगम, प्रजा की रक्षा के लिए शहंशाह को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में आप ही उनकी सहायता कर सकती हैं। शहंशाह को कैसे समझाना है ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। जहां तक शहंशाह को समझने की बात है तो आजकल हमसे ज्यादा शहंशाह को आप समझती हैं, हमसे ज्यादा शहंशाह को आप समझा सकती हैं। रुकया बेगम, आप समझ नहीं रही कि परिस्थिति कितनी विकट है। शहंशाह ने युद्ध के लिए मना कर दिया है, और यदि वो निगार जी के विरुद्ध तलवार उठाते भी हैं तो भी पूरे मन से वो युद्ध नहीं करेंगे। तो आप चाहती हैं कि जलाल अपनी बहन के खिलाफ जंग करे? नहीं, हम चाहते हैं कि शहंशाह उनके विरुद्ध युद्ध करे जिन्होंने निगार जी को अपना अस्त्र बनाया है, जिन्होंने निगार जी को शहंशाह के विरुद्ध भड़काया है। हम ये भी चाहते हैं कि इससे पहले निगार जी को सेना बंदी बनाकर उन्हें कोई हानि पहुंचाए,
स्वयं शहंशाह ने सुरक्षा में कर ले। सुनने में आया है कि अबुल माली भी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह के आक्रमण पे निर्दोष प्रजा का रक्त बहे। क्या आप मुगल सल्तनत की मान की रक्षा के लिए, क्या शहंशाह के यश को बचाने के लिए, क्या निर्दोष प्रजा की प्राण की रक्षा करने के लिए हमारी सहायता नहीं करेंगी? रात बहुत हो गई है जोधा बेगम, और यह हमारे आराम करने का वक्त है। आप जा सकती हैं। क्या मुगल सल्तनत पर इतना बड़ा संकट आया है और आपको नींद आ रही है? सल्तनत की हिफाजत के लिए शहंशाह है, हम अपने आराम में कोई दखल नहीं चाहते। आप जा सकती हैं। हुकुम बेगम साहिबा। होशियार, जाकर शहंशाह को पैगाम दो कि हम उनसे इंसानी शतरंज के होजरे में मिलना चाहते हैं। माफ करना बेगम साहिबा, क्या जोधा बेगम ये पैगाम देने आई थी कि आप शहंशाह के साथ शतरंज खेलिए? जितना कहा जाए उतना करो, जाओ यहाँ से। जी बेगम साहिबा। बेवकूफ। आपने हमें याद फरमाया? हाँ शहंशाह, बहुत दिन हुए हमने एक शतरंज की बाजी नहीं खेली, इसीलिए हमने आपको याद फरमाया। पूरा आगरा जंग करने को तैयार है और आप इस वक्त हमारे साथ शतरंज खेलना चाहती हैं? वही तो हम भी कह रहे हैं शहंशाह, जंग सिर पर है, ये वक्त ना ही शतरंज खेलने का है और ना ही अपने जज्बातों को खुद से खेलने देने का। मुगल सल्तनत को ललकारा गया है और आप अपनी बहन के धोखे से दिल तोड़ कर बैठे हैं। गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, मगर आप सिर्फ एक भाई नहीं, आप मुगल सल्तनत के शहंशाह भी हैं। और एक शहंशाह सबसे पहले एक शहंशाह होता है, बेटा भाई या शौहर बाद में होता है, उसका सबसे बड़ा रिश्ता उसके तख्त से होता है और बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। हम मानते हैं कि अब आपको आपका दिल मिल गया है, मानते हैं कि अब आपको मोहब्बत समझ आ गई है, मगर सल्तनत को इस वक्त दिलदार आशिक या नेक दिल भाई की नहीं, एक संगदिल सिपाही की जरूरत है। उसे वो बेमुरव्वत जलाल चाहिए जो अपनी तकदीर अपनी शमशीर से लिखता था और उसी शमशीर से अपने दुश्मनों की पेशानी पर शिकस्त लिखता था। इस वक्त सल्तनत को उस शहंशाह की जरूरत है जो 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठा था, जिसने 9 साल की उम्र में पहली बार शमशीर उठाई थी। आप एक शहंशाह हैं जलाल, उतारिए अपने जज्बातों का बोझ और पहनिए जीरा बख्तर। जरा सोचिए, या तो आप अपनी शमशीर से तारीख लिख डालिए या तो फिर मुगल सल्तनत को तारीख बना दीजिए। हम जानते हैं जलाल, आप अपनी बहन के खिलाफ शमशीर नहीं उठा सकते, लेकिन जरा सोचिए, जब आपके फतेहाब दुश्मन आपकी बेगमों को अपनी फतेह का तोहफा बनाकर उठा ले जाएंगे, तब क्या आप इसे सह पाएंगे? मुगल सल्तनत की मलिकाए आजम को बांदी बनाकर अपने झूठे बर्तन उठवाएंगे, तब क्या आप इसे सह पाएंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं रुकैया, वो हमारी बहन है। इस वक्त वो सिर्फ एक दुश्मन है शहंशाह, अगर वो आपकी बहन होती तो आपको जहर देकर मारने की कोशिश नहीं करती। अगर वो आपकी बहन होती तो पैगाम नहीं भिजवाती कि उससे हार कबूल करने के लिए तैयार हो जाइए। शहंशाह, वो सिर्फ एक दुश्मन है, हो सकता है कि निगार ऐसा ना करे, लेकिन उसकी फौज, उसका क्या भरोसा? आपको जंग के लिए तैयार होना ही होगा, अपनी आवाम के लिए, मुगल सल्तनत की शान के लिए। मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के नाम के लिए। शहंशाह,
हम नहीं चाहते कि आप अपनी बहन के खिलाफ शमशीर उठाएं, लेकिन आपको शमशीर उठानी होगी उनके खिलाफ जिन्होंने जिन्होंने निगार का इस्तेमाल किया है। आपको ये जंग फतेह करनी ही होगी। कहाँ है वो जलाल जिसने अपनी सगी बहन को सजा दी, जिसने अपनी बड़ी अम्मी जान तक को सजा दी, जिसने मुगल सल्तनत के खिलाफ खड़े होने वाले को कभी मुआफ नहीं किया। उठिए जलाल उठिए, ये वक्त हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने का नहीं है, ये वक्त दुश्मन का सर कलम करने का है। वो कसम वो जिम्मेदारी निभाने का है जो एक शहंशाह की होती है। कभी कभी यदि कोई अपना मार्ग से भटक जाए तो उसे मार्ग पे लाने के लिए कड़ा रुख अपनाना ही पड़ता है। आपको ये जंग फतह करनी है। कंस भी तो श्री कृष्ण के मामा थे, परंतु जब उन्होंने अधर्म दिखाया तो क्या कृष्ण ने क्षमा कर दी? नहीं, कहाँ है वो जिसने अपनी सगी बहन को सजा दी? युद्ध का प्रारंभ आपकी बहन निगार जी ने किया, तो आपको भी उनसे युद्ध करना होगा। उनके भाई बनकर ही बल्कि शहंशाह बनकर।